यह 8 चीजें कोई भी स्त्री पुरुषों में देखती है, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कोई भी स्त्री जब पुरुष में देखती है उसके तरफ आकर्षित होती है, अपना पति करके उसको पसंद करती है, तो उसको पहले परखती रहती हो कि क्या है मेरे लायक है कि नहीं, क्या मैं इसके साथ में मेरा जीवन निभा सकती कि नहीं, रह सकती कि नहीं। तो कौन से ऐसी क्वालिटीज कोई भी स्त्री पुरुषों में देखती है उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो पहला है उसका व्यक्तिमत्व। व्यक्तिमत्व कैसा है उसका, उसका बोलना चालना, बोलने की ढब, हंसना, बातें करना, मतलब किस तरह का उसका व्यक्तिमत्व है। तो वो देखती रहती है कि भाई जरा लोगों को आकर्षित करने वाला है क्या, अपने बातों से लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाला है क्या, तो वो देखती रहती है कि उसका व्यक्तिमत्व कैसा है। नंबर दो, वो देखते है कि उसकी शारीरिक रचना, मतलब ऐसा फिजिकली कैसा है, फिजिकली स्ट्रांग है, आकर्षक व्यक्तिमत्व का है, मतलब शरीर के दृष्टिकोण से बॉडी अच्छी है, या दिखने में कैसा है ना, तो दिखने में अच्छी बॉडी है या दिखने में भी स्मार्ट दिखता है, तो वो भी वो देखते रहते हैं। तीसरा जो है कि उसको सिक्योरिटी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सुरक्षितता, क्या मेरा सुरक्षित मुझे रख सकता है, क्या इसके साथ में मैं सिक्योर हूं, ये मुझे मेरी जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा, सुख दुख में मेरे साथ में रहेगा, तो ये भी वो देखते हैं कि सुरक्षितता इसके साथ में रहेंगी क्या, और उसको लगता है डाउट है तो फिर वो उसके साथ में नहीं रहेगी। एक लड़का मेरे पास में आया था, बोले हमारा ब्रेकअप हो गया। तो बोला क्या हो गया, तो बोले कि मैं टाइम ले रहा था उसको बोलने के लिए, क्योंकि माँ को पूछने के लिए घबरा था कि भाई इसके साथ में मैं शादी करूं कि नहीं करूं, और बोले माँ को पूछने के पहले इसने मेरे को छोड़ दिया। बोले क्या हो गया, बोले वो लड़की ने ये बोला कि माँ को पूछने के लिए आप इतना टाइम लगाते हो और माँ से इतना डरते हो, तो आगे जिंदगी मेरे साथ में कैसे क्या काटोगे आप। इतनी छोटी बात, मतलब एक तरह से छोटी बात है, एक तरह से बड़ी भी है, मगर इतना टाइम ले रहे ये बात पूछने के लिए, पूछने को तो छोटी बात है, इतना पूछने के लिए टाइम ले रहे, तो फिर आगे कैसा होगा, छोड़ दिया उसने। फिर वो देखते चौथा, अभी तक हमने तीन देखे, नंबर एक है उसका व्यक्तिमत्व, तो नंबर दो है उसकी शारीरिक रचना बॉडी, तीसरा है सुरक्षितता, चौथा है स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, बहुत ज्यादा शकीला है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, चिड़चिड़ा है, अहंकारी है, इगोइस्टिक है, क्या विनोदी है, या बहुत ही ऐसे जोक मारता है कि जो बहुत ही चीप है, या अच्छे जोक मारता है, स्वभाव कैसा है, मिलता जुलता है, सबसे सबके साथ में रहना रहने वाला है, सबको लेके चलता है, ऐसा क्या स्वभाव है, वो भी देखते रहते। फिर पांचवा विश्वास, कि क्या इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती कि नहीं कर सकती, यदि वो ट्रस्ट नहीं कर सकती है तो फिर वो नहीं करेगी शादी या नहीं जाएंगे उसके साथ में, क्योंकि ट्रस्ट बहुत महत्व का रखता है कि भाई आपको जिंदगी निभाना है और आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, तो फिर वो कहां से ये करेगी, मतलब उसको चलाएगी। और एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों है, गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, छोड़ इसलिए दिया कि वो बार बार झूठ बोलता था, और झूठ इतनी छोटी बात के ऊपर बोलता था कि उसको झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, मतलब एक्चुअली वो समझो खाना खा रहा है तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूं, और खाना खा रहा है घर में, और बाद में मालूम पड़ता है लड़की को तो घर में खाना खा रहा था, बोले तुम इतनी छोटी बात के ऊपर झूठ बोलते, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास ही कैसे रखूंगी, छोड़ दिया उसने। फिर छह व्यसन, यदि उसको व्यसन है, शराब का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, बाकी और भी कोई व्यसन है उसको, तो फिर वो भी उसको पसंद करती नहीं है लड़कियां। सातवां है कि वो लिसन करता है क्या, सुनता है क्या, सुनने के मोड में रहता है क्या, कि सुनता ही नहीं है, समझ लेता है क्या, कि अपनी चलाते रहता है, यदि वो सुनता नहीं है, समझ नहीं लेता है, तो फिर कैसी जिंदगी बिताएंगे इसका। और आठवां है उसकी बुद्धिमत्ता कैसी है, इंटेलिजेंट है, उसके पास में इंटेलिजेंट है तो स्किल्स है क्या, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, इंटेलिजेंस आईक्यू ठीक है, ईक्यू कैसा है, इमोशनल क्वेश्चन भी कैसा है, इमोशनली वो एडजस्ट हो सकता है कि नहीं है, तो बुद्धिमत्ता आईक्यू और ईक्यू वो दोनों भी देखती है। तो ये पॉइंट जब देखती है और उसमें वो फिट बैठता है तो फिर वो उसको हाँ बोलती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी लड़का देखा तो उसके साथ में वो निकल जाएगी, ऐसे बहुत कम है कि बस लड़का दिख गया
उसके प्यार में आ गए, बाकी कुछ नहीं देख रहे और प्यार में आ गए और फंस गए। ऐसा नहीं होते रहता है, ऐसा वही लड़कियों में होता है कि जो फिजिकली अट्रैक्ट हो जाती है, फिजिकल रिलेशनशिप उसकी हो जाती है पहले ही, और एक बार फिजिकल रिलेशनशिप हो गई बाद में तो मुश्किल आती है। फिर तो वो कुछ देखती नहीं है वो लड़के में, बोलती नहीं मुझे उसके साथ में जाना है, उसके साथ में शादी करना है, फिर कुछ देखेंगी नहीं। फिर माँ बाप बोलते हैं कि नहीं भाई, और वो लड़का मतलब बेकार है, घूमते रहता है गांव में, ऐसा वैसा कोई काम करता नहीं है, उसको व्यसन है। बोले कुछ नहीं, मुझे तो उसके साथ में शादी करनी है, ऐसा बोलती है फिर वो। क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप एक बार हो गया, वो इन्वॉल्व हो गए, ब्रेन में इतने पैटर्न्स पक्के बन जाते हैं कि वो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज यदि अरेंज मैरिज है या अरेंज दोस्ती है, तो भाई सोच समझ के दोस्ती करना है, तो हमने जो 8 पॉइंट्स बताए वो परख परख के लेती है। मैं फिर से दोहराऊंगा, नंबर 1 उसका व्यक्तिमत्व पर्सनैलिटी, नंबर 2 उसकी बॉडी दिखने में कैसा है वगैरह, नंबर 3 सिक्योरिटी सुरक्षितता, नंबर 4 उसका स्वभाव, नंबर 5 विश्वास, नंबर 6 व्यसन, नंबर 7 सुनने वाला लिसनिंग, नंबर 8 बुद्ध्यांक बुद्धिमता और भावनिक बुद्धिमता, ये 8 चीजें हैं। वो देख के ही फिर वो उसको शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए हाँ बोलती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी युवकों को ये शेयर करो। इसके बारे में आपको कुछ सवाल होंगे तो हमारी ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केयरकर मनोविकास नाम की ऐप है, उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। और आपको कुछ सवाल होंगे तो नीचे नंबर दिए है उसके ऊपर आप संपर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।